वेलकम टू अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स प्लस वन का चैप्टर काइनेमेटिक्स का टॉपिक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन करने जा रहे हैं। सो लास्ट हमने रिलेशन करा था पोजीशन टाइम रिलेशन, जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करी थी, वैल्यू हमने रिलेशन फाइंड करा था जिसमें वैल्यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, अगर मेरे पास इनिशियल टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है उसी वेलोसिटी का टाइम, और एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम जो कि सेम होगा दोनों पोजीशन के लिए, तो वो हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसमें। तो ये वाला रिलेशन हम यूज़ करते थे। अभी मेरे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। मान लो इनिशियल यानी कि यू वेलोसिटी गिवन है और v वेलोसिटी गिवन है, तो हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं कि उसने किसी टाइम t इंटरवल में t से लेके t डैश में कितनी उसने डिस्प्लेसमेंट करी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट t टू t टाइम t से लेके t डैश टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दैट इज़ x डैश माइनस x। तो ये किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, किस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, तो वो आज रिलेशन करेंगे। तो उस रिलेशन को बोला जाता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो सबसे पहले इस रिलेशन से हमें पता है कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए क्या रिलेशन था, दैट इज ए इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन टी डैश माइनस टी। ये हमें इस ग्राफ से वैल्यू मिल जाती है, ये वाला हमारा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए ग्राफ है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इन दोनों की रेशियो लूँ वी डैश माइनस वी अपॉन टी डैश माइनस टी, तो ये वाली ए बी स्लो मेरे को एक्सेलेरेशन बताएगी। ठीक, तो उस रिलेशन का यूज़ करते हुए मैं वहाँ से टाइम फाइंड करूँगा, तो ये टाइम ऐसे आ जाएगा टी डैश माइनस टी दैट इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन ए। सो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। उसके बाद हमने मानना है कि कोई रिलेशन जो कि हमने लास्ट रिलेशन यूज़ कर रहा था एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इस रिलेशन को हमने ग्राफ्स की फॉर्म में ग्राफ नोटेशन में लिखना है। तो एस को हम कैसे लिखते थे, एक्स माइनस एक्स नॉट या एक्स माइनस एक्स डैश पोजिशन। यू के लिए हमने यूज़ करा था हमारी वी माइनस वी डैश या इस तरह की वेलोसिटी वी डैश माइनस वी, साथ में टाइम प्लस हाफ ए एज इट इज़। और यहाँ पे टाइम को भी हम लिखते थे टी डैश माइनस टी दैट इज प्लस हाफ ए टी डैश माइनस टी। ये वाला रिलेशन हमने दोबारा फिर से इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, यूजिंग द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम टी टू इट्स पोजिशन एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी डैश। यहाँ पे हमारे पास दो टाइम्स हैं और दो वेलोसिटीज आती हैं, हमने ये रिलेशन यूज करना है। यूजिंग द रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, हमने एक रिलेशन यूज़ करना है जिस पहले फर्स्ट टाइम टी पे उसकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी टू इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट टाइम टी डैश। हमने दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट पे जो वेलोसिटीज है उनकी पोजीशन भी लिखनी है साथ में। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद constant acceleration a along straight line। यानी कि ये वाले ग्राफ में देख सकते हैं, कोई अगर वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी v के साथ a पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, फिर अगेन उसी एक्सेलेरेशन के साथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ वो बी पॉइंट पे पहुंचता है विद द वेलोसिटी वी डैश एंड टाइम एट अ टाइम टी डैश।
तो इसके लिए हमने रिलेशन लिखा था कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए ये वाला। अभी हमने उसी सेम एक्सप्रेशन के लिए पोजीशन टाइम रिलेशन लिखना है, दैट इज एक्स माइनस एक्स डैश, एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू, रिलेशन था हमारा वी डैश माइनस वी, साथ में टी डैश माइनस टी, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन एज इट इज़ टी डैश माइनस टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे, हमने ए वैल्यू फाइंड करी है, यहाँ से इसी रिलेशन को बी रिलेशन में फिल कर देंगे, पुट ए इंटू बी रिलेशन, क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, एक्स डैश माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी, टी डैश की जगह पे हमने ए रिलेशन फिल करना है, दैट इज वी डैश माइनस वी अपॉन ए प्लस हाफ ए वी डैश माइनस वी अपॉन ए का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना हमने, एक्सपेंड करने पे क्या बनेगा, वी डैश माइनस वी, ये दोनों टर्म सेम है तो इनका स्क्वायर ले सकते हैं, वी डैश माइनस वी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ए हमारे पास, और ये वाली टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन सकता है, ए एज इट इज, अगर मैं डिनोमिनेटर वाला ए बाहर निकालूंगा दैट विल बिकम ए स्क्वायर, पर बचा वी डैश माइनस वी का होल स्क्वायर, ए के स्क्वायर के ए से कैंसिल हो जाएगा, टर्म विल रिमेन स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर में ए चला जाएगा, इट विल कम टू ए, वहाँ पे बचेगा वी डैश माइनस वी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ से दोनों टर्म से अगर हम टू ए डिनोमिनेटर में जो है इसको कॉमन निकालें तो क्या बचता है, इसके पास टू नहीं है तो क्या करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू वी डैश माइनस वी स्क्वायर अपॉन, ये बाहर आ गया कॉमन निकालिए, यहाँ से कॉमन आ गए दोनों टर्म्स, वी डैश माइनस वी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं यहाँ, ये दोनों टर्म्स को हम एक्सपेंड करेंगे, अभी एक्सपेंड करने पे क्या बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसको एज इट इज लिख दो, यहाँ से वैल्यू भी निकालेंगे v डैश माइनस वी, क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी मेंशन करी थी v डैश माइनस वी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी इस पॉइंट पे क्या थी, दैट इज v, और वो वाली इनिशियल वेलोसिटी v रहेगी, ये वाली टर्म सारी क्या रहेगी, जीरो, तो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे हम, दैट इज ओनली v, और सिमिलरली यहाँ पे भी v स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे बचेगा खाली v, एंड दैट्स सिमिलर हियर, दैट विल रिमेन v, सिमिलर टर्म यहाँ पे भी रहेगी, दैट इज 2v, नाउ द होल इक्वेशन विल बिकम 2v v डैश माइनस v प्लस v डैश माइनस v का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे, टू वी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी डैश बन जाएगा वी वी डैश, और यहाँ पे माइनस टू वी का स्क्वायर प्लस, अभी वाले टर्म को एक्सपेंड करेंगे, इट विल बिकम वी डैश का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस टू वी डैश माइनस वी, यहाँ से जो टर्म कैंसिल होंगी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वी डैश
स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर। यहाँ से ये वन स्क्वायर है, ये माइनस टू वी स्क्वायर है, यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी वी स्क्वायर की, यहाँ पे बचेगा माइनस वी स्क्वायर ओनली। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2a, ये दूसरी साइड चला जाएगा तो बन जाएगा 2a x डैश माइनस x, और यहाँ पे बचा v डैश का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्रेशन है। तो ग्राफिकल एक्सप्रेशन में अगर मैं वैल्यू फिल कर दूँ हमारे, जैसे यहाँ पे v डैश है, v डैश हमारा फाइनल, v डैश हमारी फाइनल वेलोसिटी है, इट विल, इसको हम लिख सकते हैं एट टाइम जीरो, एट टाइम t इट विल बिकम फाइनल velocity at time t become v and initial velocity at time t is equal to 0 it will become u। यहाँ पे हमारी जो velocities की value हैं सारी fill करेंगे, तुम्हारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा खाली, एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स विल बिकम एक्स रिमेन एक्स एंड एक्स नॉट विल बिकम ज़ीरो, और वी कैन से एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में फिल करेंगे। x dash that is x minus x naught that is equal to v dash square, हमारा v बन जाएगा which is initial velocity, final velocity, v dash का square minus initial velocity हमारे पास बन जाएगी u, will become u square, let कर लेते हैं x minus x naught that is equal to x, now above equation will again become s is equal to v square minus u square. So this is an expression for velocity time velocity displacement relation. इसको rearrange करेंगे तो बन जाएगा v square minus u square that is equal to a s. तो इस relation में अगर मेरे पास किसी object की final velocity पता है, मेरे को initial velocity पता है और वहाँ पे acceleration पता है, तो मैं displacement find कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी object की मेरे पास initial velocity पता है और इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी पता है, तो कितना उसने डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। सो इस वाले रिलेशन में हमने क्या करा, क्या मेन, पहले हमने कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लिखा, फिर देन हमने रिलेशन यूज़ करा जिस रिलेशन में हमें पता है कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ग्राफिकल एक्सप्रेशन था इनिशियल वेलोसिटी v और उसको टाइम के साथ प्रोडक्ट लिया था प्लस हाफ एक्सेलेरेशन t डैश माइनस, ये ग्राफिकल एक्सेलेरेशन यूज़ कर रहा था हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन का, ये वैल्यू को यूज़ करने के बाद उसमें हमने t डैश माइनस t की वैल्यू फिल करी, उस एक्सप्रेशन को सोल्व करा एंड देन हमने वैल्यूज़ फिल करने के बाद ये एक्सप्रेशन फाइंड करा। इस एक्सप्रेशन से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम nth पार्टिकल या nth टाइम के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है वो हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।